चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। पब्लिक का ऐसा बेवकूफ बना रखा था, पहले तो कर दिए कमरे में बंद, और जो किसान आंदोलन न हो देश ही बंद रहता। यंत जीत जा लोक दल और बाकी बन जा बाबा योगी। यही तो बकरा, हाँ ये बकरा तू भाई बाबा इधर आओ, इधर आओ, तू कह रहे हमारे अंदर इधर आओ, तू बक्के रहो। अरे भाजपा को ना वोट देवे यहाँ कोई भी, ये तो कह रहे हैं लोक दल की है, हाँ लोक दल की, लोक दल की चलेगी भाई, लोक दल की चलेगी। भाजपा को जो वोट देगा वो अपना बाबा तो बतलाएगा, वही मठमा कर लियो पर्वत। नमस्कार साथियों, चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं छपरौली विधानसभा सीट के रमाला मील पर, जहां पर हम किसानों के साथ हैं और यहां सभी किसान अपने गन्ने की जो खेती करते हैं गन्ना यहां मील में डाल रहे हैं, और उनसे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव में क्या माहौल बनने वाला है इस बार, और जनता किसको चुन रही है और किसकी सरकार ला रही है, इसी बारे में हम बातचीत करेंगे और किसानों की समस्या को लेकर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ किसान भाई है, उन किसानों से हम लगातार संपर्क कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि क्या माहौल बन रहा है, इसी बात को जानने के लिए हम चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनीष तोमर है। मनीष जी, 22 में चुनाव है, क्या आपको लग रहा है? छपरौली एक प्रसिद्ध सीट रही है, यहाँ पर क्या माहौल आपको लग रहा है अभी चुनाव को लेकर? इस सीट का तो इतिहास रहा है जी, ये तो सिवाय चौधरी चरण सिंह परिवार के अलावा कहीं गई ही नहीं। पिछली बार भी जो सेंदर सिंह विधायक है अभी, वे लोकदल की सीट पे उन्होंने जीत दर्ज की थी और उसके बाद भाजपा में चले गए थे। आपको क्या लगता है, क्या किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं इस बार यूपी के चुनाव में? भाई अर्जुन को तो मछली की आंख दिखा थी, हमें तो जैन दिखा है। अभी जैसे किसान आंदोलन भी 14-15 महीने चला जी, बिल्कुल उसका असर रहेगा चुनाव पर जैसे लोग? हाँ नहीं, बिल्कुल रहेगा जी, बिल्कुल असर रहेगा, पूरा का पूरा असर यहाँ यानी हिंदुस्तान में रहेगा पूरे। पिछली जो सरकार है उसका कार्यकाल कैसा रहा आपको? कार्यकाल देखो आप, कितनी बदहाली है, बेरोजगारी है, महंगाई है, जनता त्रस्त है, किसान है हर तरीके से त्रस्त है, पेमेंट टाइम पे नहीं होते, दाम फसल के किसान को नहीं मिलते, ऊपर से डीजल की मार है। मतलब देखा है योगी ने भी बढ़िया काम किया है, कानून की व्यवस्था भी ठीक है। अरे सड़क तो बढ़िया, सड़क पर तो जिब चलेंगे, जिब जेब में चुवन्नी होगी, जिब जेब में चुवन्नी छुट्टी नहीं, सड़क पुके चाटोगे। रास्ता भी तो चाह जरूरी है नहीं, रास्ते पर तो जीभी चलोगे, जीभ चलन का बहुत होगा, जेब में चवन्नी नहीं रही, फसलों के दाम नहीं, महंगाई आर पार की क्या होगा, होगा क्या सड़क से बताओ, चलो सरकार नु कहे बोला चोरी डकैती खत्म होगी, जीभ जेब में किसी के चवन्नी नहीं, सिर मार के केक रहे, इनमें बदला थरा हटा दू चक्कू, बताओ जीभ जेब में कुछ ले ही नहीं रहे। डाके किसानों के जो मुद्दे है क्या सरकार? किसान बीजेपी के जाना किसानों के बारे में, किसान तो नाम ही होना तो बहुत गलत लगे किसान का, कट गया इसका तो है ही नहीं। 14 दिन में पेमेंट कहे थे, 5 साल में ही ये 20 रुपए ली बधा दी, पता नहीं कुकर डीजल 60 पर था कांग्रेस के टाइम में, बीजेपी वाले नु कहते देश को लूट कर खागी, इन्होंने 100 में नहीं खाया लोग को लूट कर, ये ऊपर था हाथी और छोड़ दिए, एक को घेरा दूसरा हमारे ऊपर अन टंगे, ये योगी वाली नस्ल के ही है। योगी सबसे अच्छा है पर हमारे यहाँ जीतता का लोकदल का छपरौली क्षेत्र से, यह पक्की कुछ नहीं, यह पक्की है, यह सीट तो पक्की है, और हम भी चाहो यंत जीत जा लोकदल और बाकी बन जा बाबा योगी। लेकिन ऐसे क्षेत्र में काम होना, ऐसे कंफ्यूजन नहीं पैदा होगी? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं है, ये बकरा, हाँ ये बकरा तू भाई बाबा इधर आओ, इधर आओ, तू कह रहे हमारे अंदर इधर आओ, तू बक्के रहो, अच्छा इधर आइए, बताओ इधर आओ, बकने नहीं है, अपनी इच्छा है तो अच्छा कुछ काम बताइए। नहीं काम बहुत करे बीजेपी ने, बहुत अच्छे काम करे, आप क्या उपवास कर रहे हैं बीजेपी भाई, अच्छा काम कर रखा है, ये नहीं है काम को पे, लेकिन जहाँ एक 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 तरफ रोजगार की भी बात करें, महंगाई की भी बात करें, क्या उससे फर्क नहीं पड़ता? नहीं क्या फर्क पड़े, ये तो भाई महंगाई बेरोजगारी तो पहले से चलती आ रही है, भाजपा को ना वोट देवे यहाँ कोई भी, ये तो कह रहे हैं लोकदल की है, हाँ लोकदल की, लोकदल की चलेगी भाई, लोकदल की चलेगी।
ऐसा क्यों लगता है? ऐसा नहीं लगे, भाजपा को वोट देने वाले, भाजपा को जो वोट देगा वो अपना बाप बता बतलाएगा, वही मठमा कर लियो पर्वत। यह बता दिया हमने। किसानों ने तो इस बीजेपी सरकार की, इस मोदी सरकार की जड़ पाट दी, और नई पब्लिक का ऐसा बेवकूफ बना रखा था, पहले तो कर दिए कमरे में बंद, और जो किसान आंदोलन न हो देश बंद रहता। हम लोग चबरौली विधानसभा सीट के रमाला गांव में थे, जहां पर हमने किसानों से बात की और जाना कि किस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर बन रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से जुड़ी हुई खबरें पाने के लिए जुड़े रहे चलचित्र अभियान से। धन्यवाद।